आप जैसे बच्चों को पेद वालों गरीब लोगों को पापों पापियों को रक्षण लेने वाले जिसको उद्धार नहीं है यीशु प्रभु यीशु मसीह प्रेम प्रेम कर रहा है अंदुके आ देवुनिकि उन्न पेरु एंटंटे जो परमेश्वर का जो नाम है प्रेमा स्वरूपी प्रेम पवित्र परमेश्वर है चेप्पंडि बोलिए प्रेमी परमेश्वर है प्रेमी परमेश्वर है बोलना जोर से बोलना जोर से बोलना प्रेमी परमेश्वर है गीत गा रहा है भजन गा रहा है लेकिन क्या है 6 महीने के बाद में गया वो बहन दिखाई नहीं दिया। फिर मैं पास्टर साहब से पूछा अरे जो बहन कहाँ है मैं जिस बहन के लिए प्रार्थना किया ना वो बहन कहाँ गया बोलो बहन नहीं आ रहा क्या हुआ है उसका भैंस मर गया उसका भैंस मर गया और दूध देना और पैसा आना और ये चर्च में आना क्या मतलब है इसलिए यहाँ के विश्वास को कैसा है और क्या सुख मिलने से प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। यदि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है हम सब पापी हैं परमेश्वर के पास हम पहुँच नहीं सकते हैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज कर हमारे गुनाहों को जो मैंने पाप किया मेरे सजाओं को अपने ऊपर अपने बेटा के ऊपर देकर हमेशा के लिए बलिदान करके आपके पापों को दूर करके परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग और सत्य और मनुष्य बनकर आया है हमारे सारे अधर्म का कामों को अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल यही कहता है मनुष्य का जीवन में 3 प्रकार का पाप होता देखो, है देखो, आंखों का पाप होता है शरीर का अभिलाषा होता है और जीवकी का घमंड है। कौन ऐसा आदमी है कि बोल सकते हैं मैं इन पापों से नहीं गिरा है हर एक मनुष्य आंखों हाँ वीडियो कर ले लो फोटो और वीडियो पहले फोटो उसके बाद वीडियो दोनों तरफ देख लीजिएगा हो गया वीडियो ले लो पीछे का और वीडियो लेकर सत्य पर लोग हैं ना पीछे में तुम लोग पहले जरूर कर भाई पीछे वो दीदी लोग वीडियो उधर भी ले लो हां तो ये जय मसीह बोलो जय मसीह ठीक है ठीक है धन्यवाद दुआ करो को ना रुको ले लो इस धरती पर मनुष्य बन करके आया और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हम सब मानव जाति के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया बलिदान दे दिया प्राण दे दिया और मरे हुए में से 3रा दिन जी उठा। प्यारे भाई बहनों हम सारे मानव जाति के लिए पापों से छुड़ाने के लिए प्यारे भाई बहनों मनुष्य बन करके इस धरती पर आया है। दया करके आप इस पर विश्वास लाएंगे तो आपको पापों और श्रापों से मुक्ति मिलेगी। परमेश्वर इस छोटी सी वचन को आशीष दे कि एक धनी व्यक्ति है वो अकेले है सब कुछ इकट्ठा किया है लेकिन परमेश्वर मांग रहा है यदि इस रात को मैंने आपका प्राण को मांगेंगे तो जो कुछ संपत्ति आपने कमाया है ये किसका होगा। देखिए आज रात को यदि हम मौत हो जाएंगे तो जो भी कमाया है जो भी इज्जत कमाया जो भी आदर कमाया जो भी पैसा कमाया जमीन को कमाया ये किसका होगा प्रिय भाई बहनों। इसलिए सच्चा शांति आनंद को हम आपको बताने के लिए यहाँ पर आया है।
प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के लिए यहाँ पर हमारे लिए इस पृथ्वी पर, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, पापों के पाप की मजदूरी मृत्यु होती है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये छोटी सी पुस्तक को लीजिए और पढ़िए, आपको जीवन में शांति और उद्धार मिलेगा। प्रेमी परमेश्वर, प्यारे पिता, सृष्टिकर्ता प्रभु जी, हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु, आपने सौभाग्य दिया हम सबको इस प्रभु शहर में, गांव में सुसमाचार बांटने के लिए सहायता कर रहे हैं प्रभु जी। पिताजी, दया करके आपकी महिमा के लिए पुस्तक बांटने में सहायता कीजिए, आपकी महिमा के लिए। हे परमेश्वर, अपराधों को जो आंखों से, शरीरों से और जीव का घमंड से जो पाप किया है, वो सारे बोझ को अपने ऊपर उठाया, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, वो पाप का सजा वो ले लिया और हमको शांति आनंद को दिया है। हमको यदि जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए जो लहू बहाया है, जो वो लहू के ऊपर विश्वास करेंगे